सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। नवदा भक्ति के विषय में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में आपने सुना कि भगवान के मंत्र का जाप, वो भी विश्वास के साथ, ये पांचवी भक्ति है। छठवीं भक्ति भगवान की, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा छठ दम शील। भगवान की जो छठी भक्ति है वो ये है कि वह अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे, अपनी इंद्रियों का दमन करे। मतलब इंद्रियों के बस में वो न हो, इंद्रियां उसके बस में हो, और अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करता रहे, सज्जन लोगों का साथ करे। मतलब यहां पर प्रभु श्री राम हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, हमें सज्जनों का संग करना चाहिए। इट्स बिगेस्ट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान कह रहे हैं कि दुर्जनों का संग मत करो। हमारे विचारों में गड़बड़ी ही आती है कि हम लोग दुर्जनों का संग करते हैं। हमें क्या चाहिए, हम सज्जनों का संग करें, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों का संग हो और अपने धर्म का पालन हो। अब कहेंगे हमारा धर्म क्या है, बहुत लोगों को तो अपना धर्म ही नहीं पता है। अब देखिए, अगर हमें मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन जितने भी लोग जी रहे हैं उन सबका अपना अपना धर्म है, इवन पशुओं का भी धर्म है। हमारा धर्म क्या है, बोले माँ का धर्म क्या है पहले ये समझ लें, पिता का धर्म क्या है ये समझ लें, बेटे का धर्म क्या है ये समझ लें, और बेटी का धर्म क्या है ये समझ लें, गुरु का धर्म क्या है ये समझें, चेले का धर्म क्या है ये समझें, राजा का धर्म क्या है ये समझें, प्रजा का धर्म क्या है ये समझें। कहने का अभिप्राय है हम जिस रिश्ते में है, हम जिस रूप में है, हम जिस व्यवस्था में है, हम जिस अवस्था में है, हमारी उसी अवस्था उसी व्यवस्था का धर्म है। माँ का धर्म है बेटे को ममता देना, और बेटे का धर्म है अपनी माँ का आदर करना और उनकी सेवा करना। पिता का धर्म है अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना, और बेटे का धर्म है अपने पिता का कभी अपमान न करे और उनके बताए हुए मार्ग पर चले। गुरु का धर्म है हमेशा शिष्य का जो कल्याण कर सके ऐसे मार्ग का दर्शन कराए, और शिष्य का धर्म है कि एनी हाउ अपने गुरु के वचनों का पालन करे, मंत्र में सच्ची निष्ठा रखे। तो ये है छठवीं भक्ति कि अपने धर्म को। आजकल क्या है, देखो गुणों में तो रावण के में भी कोई कमी नहीं थी, रावण भी बहुत बड़ा गुणी था, बहुत बड़ा गुणी था, लेकिन गुणों के होने से, विशेषताएं होने से, क्या वो मानव था, क्या उसने मानव धर्म का पालन किया? नहीं, उसने दानव धर्म का पालन किया, उसने मानव धर्म का पालन नहीं किया। वो दानव बनकर उसने अपने दानव धर्म का पालन तो किया, लेकिन मानव बनने की कभी कोशिश उसने नहीं की। तो मानव होने का भी धर्म है, बोले मानव होने का धर्म क्या है, बोले शीलता। आपके आपका शील स्वभाव होना चाहिए, आपकी सज्जनता होनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, सज्जन अच्छे लोगों का संग भी ये मानव का धर्म है। हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करे ये मानव का धर्म है, किसी को दुख न दे ये मानव का धर्म है। तो जो निश्चित तौर पर अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके अपने मानव धर्म का और अपने अपने धर्मों का जो लोग पालन करते हैं वो मेरी छठी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भगवान श्री राम रामचरितमानस के अनुसार माँ सबरी को बताते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, बड़े सिंपल तरीके से भगवान ने हमको बताई। देखिए, अगर हम अपने ही अपने धर्म का पालन कर लें, पति अपने धर्म का पालन करे, पत्नी अपने धर्म का पालन करे, बच्चे अपने धर्म का पालन करें, माँ बाप अपने धर्म का पालन करें, मित्र अपने धर्म का पालन करें, शत्रु अपने धर्म का पालन करें, राजा अपने धर्म का पालन करें, यही छठी भक्ति है। होता है क्या, हमें तो यही नहीं, कईयों को तो यही नहीं पता होता है कि अगर हम इस संबंध में हैं, अगर हम इस व्यवस्था में हैं, अगर हम इस पद पे हैं, अगर हमारा ये कार्य है तो हमारी धर्म क्या है, हमारी व्यवस्था, हमारी जिम्मेदारी क्या है। सत्य के साथ निभाया हुआ आपका कर्म, वो व्यवस्था, वही आपका धर्म है।
किसी के साथ अन्याय न करो, यही धर्म है। तो इस व्यवस्था को छठवीं भक्ति भगवान अपने शब्दों में कहते हैं। तो इसलिए आइए हम इस छठी भक्ति को समझें और इससे आगे की भक्ति सातवीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।